राजस्थान के रावत भाटा में हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को जहां सैकड़ों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग कोटा MVS अस्पताल के मॉर्चरी के बाहर पहुंच गए थे और अपना विरोध जताया था, और साथ ही कोटा रावत भाटा रोड पर बोराबास के पास रोड जाम कर एक रोडवेज बस में आग लगा दी थी। बवाल को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने कुछ देवा गुर्जर की हत्या के मामले की जाँच SIT से कराने का निर्देश जारी किया है। जी हाँ, देवा गुर्जर की हत्या की जांच के लिए 5 सदस्यीय SIT गठित की गई है। 5 सदस्यीय टीम कमेटी में CTSP कैसर सिंह शेखावत को भी शामिल किया गया है। बता दें, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा कस्बे में हिस्ट्री शीटर डॉन देवा गुर्जर के मर्डर को लेकर काफी बवाल मच रहा है। बता दें, सोमवार की शाम करीब 5:30 बजे हथियारों से लैस 8 से 10 बदमाशों ने देवा गुर्जर पर जानलेवा हमला किया था। देवा तब कोटा बैरियर के चौराहे पर एक सैलून की दुकान पर बैठा था। हमले के बाद वो काफी गंभीर रूप से घायल हुआ। इसके बाद उसे कोटा अस्पताल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान देवा गुर्जर की मौत हो गई। देवा गुर्जर की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैली और कोटा में मंगलवार को उसके समर्थकों ने बवाल खड़ा कर दिया था। पहले मॉर्चरी के बाहर समर्थकों ने हंगामा शुरू किया और फिर देखते ही देखते पुलिस पर पत्थरबाजी भी शुरू हो गई थी। हंगामे के हालात को देखते हुए CTSP केसर सिंह शेखावत खुद मौके पर पहुंचे थे। देवा गुर्जर की हत्या को लेकर पहले पुलिस का कहना था कि वो पूरे मामले की जांच कर रही है। हमलावर कोटा जिले के चैचट थाना क्षेत्र के बताए जा रहे थे, लेकिन अब SIT की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तो वक्त ही बताएगा।